ये क्वेश्चन करते हैं कि यूपीएससी में आया हुआ है। अ फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ठीक है। ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट एट दिस वेलोसिटी एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट दिस स्पीड। तो कुछ दूर पैदल चलता है, कुछ दिन कुछ दूर साइकिल से चलता है। तो डिस्टेंस ऑन फुट ये पूछ बताना है कितनी दूर पैदल चला, ठीक है। तो सपोज यहां से यहां तक जाना था, तो उसमें मान लिया इतनी दूर पैदल चला और यहाँ साइकिल से चला, ठीक है। तो ही ट्रेवल्स पार्टली ऑन फुट, यहाँ से जो चलता है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो चलता है उसमें स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टोटल दिया टाइम यहाँ से यहाँ तक का कि उसको 9 घंटे लगता है। तो ये बता रहा है कि डिस्टेंस पैदल कितना चला, ठीक है। तो मान लिया कि पैदल चला वो एक्स किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल 61 किलोमीटर था, तो इससे चला होगा 61 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स किलोमीटर है ये। ये तो डायग्राम हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाई फुट, तो एक्स हमें बताना है, एक्स कितना है। तो ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक तो जाने में इसको टाइम T1 लगा, ठीक है, T1 घंटे लगे। तो यहां से यहां तक तो जाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल 9 घंटा लग रहा है और इसमें T1 लग रहा है, तो ये 9 माइनस T1 घंटे लगेंगे। तो T1 क्या है, T1 घंटे में है, ठीक है, T1 की यूनिट घंटा है। तो अब बना देते हैं इक्वेशन, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 65 या 61 किलोमीटर। तो या ऐसे कर सकते हैं, टोटल टाइम में 9 घंटे लगे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये T1 टाइम कितना हो गया ऑन फुट जो पैदल चल रहा है, तो डिस्टेंस एक्स अपॉन स्पीड 4। और T2 कितना हो गया, T2 हो गया डिस्टेंस 61 माइनस एक्स, और स्पीड है यहाँ पे 9, ठीक है। तो और T1 प्लस T2 में दे रखा है 9 घंटे, तो यहाँ से रख दिया, तो x/4 + 61 - x/9 इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब सब में 36 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया x+9x हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 times 61 - x इक्वल टू 9 × 36, ठीक है। तो 9x - तो ये हो गया 9x, यहाँ पे 9x - 4x तो हो गया 5x, और इधर 4 में 61 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 61 × 240, तो 244 हो जाएगा, नहीं 244 नहीं, हाँ 244 इक्वल टू 36 × 9, 36 × 9 कितना होगा, 9 × 6 = 54, ऐसे लगा 5 × 9 = 27 5 = 32, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 324 - 244, तो ये हो जाएगा 80, तो x आ गया 16, तो 16 किलोमीटर पैदल चलेगा, और बाकी 61 - 16, ठीक है, जो भी होता है 45 किलोमीटर वो साइकिल से चलेगा। तो यहाँ पे 16 हमारा आंसर है।